हेलमेट लगाकर लूट एवं चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देने वाला अपराधी चढ़ा गोहलपुर पुलिस के हत्थे। विगत 17 अप्रैल को महिला के साथ हुई लूट के बाद पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र एवं ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए इस अपराधी को धर दबोचा है। हेलमेट लगा के लूट एवं चोरियों की घटना को अंजाम देने वाले इस अपराधी से लगभग पूरा चोरी का सामान बरामद किया गया है। जबलपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार सीएसपी गोहलपुर के नेतृत्व में थाना प्रभारी गोहलपुर विजय तिवारी सहित प्रेम सागर चौकी प्रभारी प्रभाकर सिंह एवं गोहलपुर के उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह सहित कुल 16 पुलिसकर्मियों की टीम ने यह सफलता हासिल की है। थाना गोहलपुर अंतर्गत दिनांक 17 अप्रैल 2023 को एक सूचना प्राप्त हुई कि शांति नगर दीपशिखा बिल्डिंग के पास में एक फरियादिया मेघा सोनी जो पैदल जा रही थी और बैग टांगे हुए थे, रास्ते में जाते हुए एक मोटरसाइकिल सवार के द्वारा इनका बैग छीन लिया गया और लूट की घटना कारित की गई। इस पर संज्ञान लेते हुए थाना गोहलपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया। जब इस प्रकरण की विवेचना की गई और जो सीसीटीवी फुटेज और जो हमारे तकनीकी साक्ष्य हैं उनको कलेक्ट किया गया तो प्रकरण कुछ इस प्रकार सामने आया कि पंकज मेहरा जो कि तेवर निवासी है, जो अपनी बाइक से अकेले पूरे शहर में भ्रमण करता है और अलग अलग स्थानों पर इसके द्वारा बैग स्नैचिंग की जाती है और इसके द्वारा चोरियां भी की गई हैं। जब इन पूरे साक्ष्यों को कलेक्ट करते हुए हमने टीम गठित करी और मोटरसाइकिल को ट्रैक करते हुए अलग अलग जगह पर दबिश दी तो थाना गोहलपुर और विजयनगर की संयुक्त टीम के द्वारा कल इस आरोपी को धर दबोचा गया और उक्त लूट के अलावा इसमें 4 चोरियां जो अलग अलग थाना क्षेत्रों में की थी उसका भी खुलासा किया जा रहा है। जो थाना गोहलपुर के अंतर्गत जो लूट हुई थी जिसमें महिला का बैग के साथ में उसके सोने चांदी के जेवरात थे जिनको आज बरामद किया गया है। इसके अलावा इससे 11 मोबाइल इससे बरामद किए गए हैं जिसमें से 4 मोबाइल इसने 2 थाना लॉर्डगंज के अंतर्गत और 2 थाना विजयनगर के अंतर्गत चोरी किए थे उनको भी जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त 7 मोबाइल और हैं जिनके संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही इससे एक और मोटरसाइकिल जब्त की गई है जिससे इसने संपूर्ण घटनाओं को अंजाम दिया था। पंकज मेहरा एक आदतन अपराधी है जिसके विरुद्ध पूर्व में भी अपराध दर्ज है। थाना विजयनगर में पिछले वर्ष यह चोरी के अपराध में जेल जा चुका है और इसका मोडस ऑपरेंडी तरीका है वारदात मोटरसाइकिल से सिंगल चलना, हेलमेट पहनकर राह चलती महिलाओं का बैग छीनकर उनके मोबाइल और उनके सामान को लूट लेना है। जहां कहीं पर अकेले क्षेत्र पाया जाता है वहां उसका भ्रमण क्षेत्र होता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो प्राइवेट जॉब भी करता था, जो अपने एक चोर साथी के संपर्क में आने से इसने अपना क्षेत्र बदल लिया और वर्तमान में अब इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा है जिसका उद्देश्य अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना और इसके अलावा जो इसके अन्य खर्चे हैं उन खर्चों को पूरा करना है। शौकिया तौर पर इस प्रकार के ये घटनाक्रम करता है। विशेष इसका अन्य कोई अभी मोटिव सामने नहीं आया है और पूछताछ इससे की जाएगी और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके रिमांड प्राप्त की जाएगी। अन्य लोग शामिल नहीं, अभी तक की हमारी विवेचना में अन्य व्यक्तियों का किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। यह अकेला ही सारी वारदातों को अंजाम देता है। कहाँ का रहने वाला? ये तेवर थाना भेड़ाघाट के अंतर्गत का रहने वाला है और इसकी जो मोटरसाइकिल जब्त हुई है वो इसकी स्वयं के नाम से इस टीमों पर मोटरसाइकिल है।